यानी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात किया ही जो आर्मी जीडी में आपके पूछे जाते हैं, और आर्मी जीडी में रासायनिक विज्ञान में से दो सूत्र अवश्य आते हैं। उन सूत्रों के बारे में कुछ बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट गिने चुने सूत्र हैं, 10 या 12 ही सूत्र जो आपके आते हैं केमिस्ट्री में, तो काफी सूत्र हैं, उन सभी को हमें याद नहीं करना, हमको सिर्फ मात्र 10 या 12 सूत्र बताऊंगा, उनमें से आपका एक सूत्र 101 पॉइंट आएगा। देखिए रसायन विज्ञान, अब वो सूत्र क्या होते हैं, उन सूत्रों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उनको आपको याद कर लेना। एक सूत्र पूछा आएगा, 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट आता है जल का, जल का सूत्र जो होता है वो होता है H2O, ये आपके काफी आता है। एक आता है आपका नमक, नमक का जो सूत्र होता है NaCl, ये सूत्र आपकी काफी आता है। एक आता है आपका भारी जल, भारी जल का सूत्र होता है वो होता है आपका D2O, ये भी होता है। एक आ रही अक्सर पूछा सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र भी काफी आता है पूछने के लिए, जो सूत्र उसका होता है H2SO4। और भी देखिए इसमें काफी सूत्र आते हैं पूछने के लिए, एक आपका आता है धावन सोड़ा, ये धावन सोड़ा पिछली बार जो आगरा का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, धावन सोड़े का सूत्र देखिए, धावन सोड़ा, धावन सोड़ा का सूत्र थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट, Na2CO3, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, 10H2O, ये आपके धावन सोड़े का सूत्र है, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि, काफी बार पूछा था धावन सोड़े का सूत्र। और एक और होता है आपका काष्ठ सोड़ा, काष्ठ सोड़े का सूत्र है NaOH, NaOH, ये सूत्र भी आपके लिए अति इंपॉर्टेंट होता है काष्ठ सोड़े का। इसके बाद आता है कुएं में डालने वाली लाल दवा, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, एक और होता है लाल दवा, इसको हम कह सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम पर KMNO4, KMNO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट सूत्र होता है, ये सूत्र आपके परीक्षा की तरफ से अति इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, इन सूत्रों को आपको याद होना चाहिए कि इन सूत्रों को काफी इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, इनमें से आपका एक सूत्र जरूर आएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें अगला सूत्र आता है खाने का सोडा, इस खाने के सोडे को हम बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं, या तो आप लिखो खाने का सोडा, खाने का सोडा, या इसको कहता था बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सूत्र भी आपके लिए अति इंपॉर्टेंट होता है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसका सूत्र बड़ा सिंपल सा होता है NaHCO3, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, ये सूत्र परीक्षा की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा था, काच के सोडे का मैंने आपको लिखाया, उसके बाद एक फिटकरी, फिटकरी का सूत्र भी काफी बार एग्जाम में प्रश्न लिया था, फिटकरी का सूत्र रसायन विज्ञान का एक बहुत बड़ा सूत्र होता है, फिटकरी का देखिए, फिटकरी, फिटकरी का सूत्र लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, K2SO4, K2SO4 कोष्ठक में SO4 का होल त्रास, K2SO4 सॉरी सॉरी गलत हो रहा है, K2SO4
L2 एयर डोर होता है इसमें, AL2 कोष्टक SO4 का अल्ट्रा 24H2O ये आपका जो है वो फिट क्रिया सूत्र होता है, कुछ बड़ा है इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसे आप याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद और भी सूत्र आते हैं इसमें, जैसे चौक, चौक CaCO3 चौक का नोट दीजिए, CaCO3 यही होता है आपका चूना पत्थर का चौक, या इसको हम कहते थे चूना पत्थर, चूना पत्थर दोनों का सूत्र चूना पत्थर चौक इक्वल है, दोनों का सूत्र यही होता है, इसको संगमरमर कह सकते हो आप, चूना पत्थर या संगमरमर, संगमरमर संगमरमर चूना पत्थर चौक CaCO3 ये इनका सूत्र है। एक और लिखिए, एक होता है हमारा लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इस नाइट्रस ऑक्साइड को कह सकते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस सूत्र होता है N2O, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अत इंपॉर्टेंट एक और होता है नौसादक, नौसादक का सूत्र लिख लो आप NH3Cl, NH4Cl। एक और होता है मीथेन, मीथेन को कहते हैं मार्स गैस, मार्स गैस या इसको कह सकते हैं मीथेन, सूत्र है CH4। बहुत बड़े सूत्र है ये, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, आपके आर्मी जीडी के लिए अत्यंत, आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेड, ट्रेडमैन और क्लर्क के लिए अत्यंत सूत्र है। इन सूत्रों दो नंबर का आता है, आपके दो नंबर मुफ्त के नंबर है भैया, आराम से इनको याद करो ये। ओके, आपके तीन सूत्र और बचे हुए हैं, वो तीन सूत्र भी परीक्षा की तरफ से अब इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था 10 या 12 सूत्र आपके पास होंगे, एक सूत्र होता है आपका ग्लूकोज, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है परीक्षा की तरफ से, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है आर्मी जीडी में, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसका देखो आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र देखिए HCl, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूत्र है HCl। एक सूत्र और बचा इसमें शुष्क वर्ष, शुष्क वर्ष, शुष्क वर्ष CO2, ये तीन सूत्र के आपके पास, ये सभी मिला के आपके कितने हो जाते लगभग 10 से 12 15 सूत्र होंगे, इनको आप याद करोगे तो आपकी परीक्षा जैसे बहुत तीन बड़े सूत्र हैं, दो नंबर मिलेंगे आपको, दो सूत्र है तो 4 नंबर मिल सकते हैं, इनको याद करके रखना भैया है।